Hey guys, what is up? It's me here with another video. We're going to break down Flash Season 7 Episode 17. Spoiler alert for those who have not watched the episode yet. पिछले episodes की video का link आपको description में मिल जाएगा. And जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. एपिसोड स्टार्ट होता है सेंट्रल सिटी से 2049 में, जहां हम देखते हैं सिटीजन मीडिया की बिल्डिंग बनी हुई अलग से एंड सेंट्रल सिटी शार्क्स जो सेंट्रल सिटी की फुटबॉल टीम है उसकी भी. एंड देन हम गॉडस्पीड को भागते हुए देखते हैं जो चिल्ला रहा है कि इनफ्लाइट वेलोसिटी जल्दी मेरी होगी, बट नोरा एके एक्सेस उसे अपने लाइटनिंग लाशों से पकड़ लेती है एंड केडियन से सीसीपीडी को इन्फॉर्म कर देती है. पर गॉडस्पीड फाइट बैक करता है एंड एक्सेस को मारने वाला होता है, पर बार्ट गॉडस्पीड की बॉडी में से फेस करता है एंड उसे डिफीट करता है. एक्सेस इम्पल्स को क्वांटम फिजिक्स के ऊपर लेक्चर देती है, पर बार्ट अभी जूनियर ईयर में कॉलेज के तो वो भी नहीं पढ़ना चाहता. पर गॉडस्पीड फेस करके फ्लैश म्यूजियम में चला जाता है एंड ट्रेडमिल पर रन करके वो मॉल ओपन कर लेता है एंड वहाँ से टाइम ट्रैवल करता है. एक्सेस कहती है कि मूवमेंट डेड विल किल अस, सो दे ऑल्सो वेंट टू द वर्म होल एंड वो टाइम ट्रैवल कर लेते हैं वो भी. बैरी अपने किड्स को बताता है कि हार्ट के पास कोई मेमोरीज नहीं है एंड यहाँ गॉडस्पीड के क्लोन्स भी हैं. चेस्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर एक्सेस कहती है कि वो पहले ही उससे मिल चुकी है एंड चेस्टर ने उसे गॉन्टलेट को इम्प्रूव किया था एंड वो बार्ट की डिफ्रेंसीशन में हेल्प करता है. एंड देन हम देखते हैं कि वो दोनों किड्स सिसील से मिलते हैं, केटलिन से भी. एक्सेस बैरी को कहती है कि मोम विल बी फाइन एंड वो टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करना उनका फैमिली नंबर 1 रूल है. बैरी उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो क्योंकि गॉडस्पीड स्पीड फोर्स में से रिचार्ज हो रहे हैं, इसलिए टाइम ट्रैवल करना भी पॉसिबल नहीं है. हम देखते हैं कि सिसिल केटलिन की हेल्प कर रही है मैट 2.0 को अनलॉक करने में ताकि वो हार्ट की मेमोरीज को अनलॉक कर सके. एंड चेस्टर उन्हें अपना डेड कन्वेंशन दिखाता है जो गॉडस्पीड की आर्टिफिशियल स्पीड को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से उसे रिचार्ज करना है विद हेल्प ऑफ एलेग्रा, बट किसी ने उसे नहीं देखा. बार्ट एक्सेस को अपनी स्पीड ईटिंग दिखाता है एंड एक्सेस को पहले टाइमलाइन वाली नोरा के बारे में भी पता है, बैरी और आयरिस ने उसे बताया है. एंड गॉडस्पीड क्लोन्स का अलर्ट आता है पर तभी एंड बैरी अपने किड्स को रेडी होने के लिए कहता है. मल्टीपल गॉडस्पीड्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, टीम फ्लैश वहाँ पर आती है एंड इम्पल्स कहता है कि उन्हें आपस में एक दूसरे को मारने दो. एंड जब वो स्प्लिट होते हैं तो गॉडस्पीड फ्लैश और एक्सेस का फॉलो नहीं करते एंड सारे इम्पल्स को पीछे पड़े हैं एंड वो इम्पल्स को मारने वाले होते हैं, पर उनकी स्पीड खत्म हो जाती है. फ्लैश इम्पल्स से पूछता है कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन. इम्पल्स बैरी को कहता है कि गॉडस्पीड उसके हाथ होना है एंड बैट फ्लैश पर लैश आउट होकर वहाँ से चला जाता है. बैरी टेंस एंड चेस्टर एलेक्सा से डिवाइस को रिचार्ज करने के लिए जाता है एंड कहता है कि बैरी के किड्स आ गए हैं फ्यूचर से एंड बट समथिंग इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन विद एलेग्रा. एलेग्रा बहुत सैड है अभी एंड एलेग्रा पहली बार चेस्टर को उसके रियल नेम चेस्टर से बुलाती है. एंड हम देखते हैं कि मिडवे सिटी में क्रेमर एफबीआई को बॉम्बिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, बट जो कहता है कि उसने सब कुछ नहीं बताया, जैसे क्रेमर इज़ ऑलरेडी डेड वाली चैट. बैरी गेडियन से कंफर्म करता है कि वॉली वेस्ट डीप मेडिटेशन में है एंड तभी वहाँ पर आयरिस आती है एंड डियोन ने उसे स्टेबल कर दिया है एंड डियोन परमानेंट क्योर ढूंढ रहा है. आयरिस को बार्ट और एक्सेस के बारे में पता है एंड वो डिसाइड करते हैं कि बार्ट को वो फील्ड में अभी नहीं भेजेंगे. हम देखते हैं कि स्टोन सिटी में जे गैरिक की स्पीड वापस आ गई है एंड वो रेडी होता है जॉन की यानी अपनी वाइफ की हेल्प से टू हेल्प बैरी फाइटिंग गॉडस्पीड्स, बट तभी वहाँ पे गॉडस्पीड के क्लोन्स वहाँ पर आते हैं एंड उसे कैप्चर कर लेते हैं. एक्सेस बार्ट को बैडैस बनने से रोकती है एंड बट आयरिस वहाँ पर आती है एंड किड से मिलती है एंड वो बार्ट को फील्ड में जाने से रोकते हैं बिकॉज विद गॉडस्पीड इट्स पर्सनल. एंड बार्ट कहता है कि डैड उसे नहीं जानते येट एंड नोरा भी एग्री करती है एंड वो बैरी को कहती है कि उसने बार्ट को 19 ईयर्स से जानती है वो, इसलिए शी विल हैंडल हिम. बार्ट ओल्ड एलन हाउस में चला जाता है एंड वो रिवील करता है कि गॉडस्पीड ने अंकल जे को उसके सामने मारा था एंड बार्ट अंकल जे से बहुत अफेक्शनेट था, वो उसे समझते थे एंड अंकल वॉली और डैड ने बस उसे रन करना सिखाया था. हार्ट के पास अभी कोई उसकी मेमोरीज नहीं है एंड वो चाहता है कि वो जाने कि उस कौन है वो कहाँ से आया है. एंड एलेग्रा टेंस होती है इसलिए वो सोलर पैनल चार्ज नहीं कर पाती. फ्लैश वहाँ पर आता है एंड अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उसको फुल चार्ज कर देता है. फ्लैश डिवाइस को सेट करता है. नोरा गॉडस्पीड को चेज करवा कर लेकर आती है एंड वो उन पर डिवाइस एक्टिवेट कर देते हैं, पर इससे क्लोन्स की स्पीड और इंक्रीज हो जाती है एंड वो नोरा पर अटैक करते हैं एंड फ्लैश उसे कवर करने की ट्राई करता है, पर फ्रॉस्ट वहाँ पर आते हैं एंड उन्हें बचा लेती है. चेस्टर बताता है कि EMF की जगह फ्लैश की एनर्जी थी इसलिए क्लोन्स की स्पीड और इंक्रीज़ हो गई एंड अब वो 45 मिनट्स में स्ट्राइक करेंगे. फ्लैश कहता है कि उन्हें हेल्प चाहिए एंड इम्पल्स इज़ रेडी टू हेल्प एंड अब आयरिस एक्सेस को फील्ड में जाने से मना करती हैं, बट शी थिंक्स शी इज़ अडल्ट 26 एज एंड वो ग्रैंडपा जो के घर पर वापस जाकर टीवी देखना नहीं चाहते बैरी कहता है कि वो उन्हें पाइपलाइन में लॉक कर देगा एंड एलेग्रा अभी भी सैड है एंड चेस्टर को वो बताती है कि एस्परांसा इज़ डेड एंड वो अपने आप को गिल्टी मानती है। बैरी और आयरिस को पेरेंटिंग थिंग डिफिकल्ट लग रही है एंड ही थिंक्स हिज फैमिली इज कर्स्ड, ट्रेजेडी ऑलवेज फॉलोज दैम एंड वो हिंट देता है कि थोन के साथ उसकी फ़ाइट नहीं हुई है अभी भी एंड ये कंक्लूड करते हैं कि इफ़ दे डिफीट गॉडस्पीड इन प्रेजेंट टाइम तो फ्यूचर में किड्स को गॉडस्पीड का खतरा नहीं होगा। गॉडस्पीड कम्युनिकेशन हैक कर लेता है एंड मैसेज भेजता है कि वो जे कैरिक को मार देंगे अगर उन्होंने इम्पल्स को सरेंडर नहीं किया। तो इम्पल्स इमोशंस में डिसीजन रॉन्ग ले लेता है एंड वो जोरियल कैथेड्रल जाता है एंड वो देखता है कि जे बुरी हालत में है एंड वहाँ पर ट्रैप में फंस जाता है। फ्लैश और एक्सेस वहाँ पर जाते हैं एंड वो देखते हैं कि इम्पल्स पर अटैक कर रहे हैं गॉडस्पीड्स। फ्लैश और एक्सेस फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हार रहे होते हैं क्योंकि सब जगह गॉडस्पीड है, उन्होंने उसको सराउंड कर लिया है। बट तभी वहाँ पर सिस्को की एंट्री होती है एंड वो डीगल वाले डिवाइस से टाइम को स्टॉप कर देता है एंड उन्हें बचा लेता है। एंड फाइट के दौरान फ्लैश इम्पल्स वाला मूव भी करता है, ट्राई करता है फेजिंग वाला गॉडस्पीड के ऊपर। इम्पल्स अभी कोमाटोज में एंड उसकी स्पीड हील उसे हेल्प कर रही है सेव होने में एंड एक्सेस के डायलॉग से जे को हिंट मिल जाती है कि फ्यूचर में किड्स और उसके बीच अफेक्शन है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। फ्लैश जे को कहता है कि वो बार्ट का मूव था जो मैंने वहाँ पर ट्राई किया था एंड सिस्को और फ्लैश गले लगते हैं एंड वो जे से भी मिलता है एंड सिस्को और फ्रोस्ट सिटी को सेफ रखेंगे एंड वो कंक्लूड करते हैं कि इतना वो जे के डिवाइस से बैर की कॉन्शियसनेस को हार्ट के माइंड के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ये सेम डिवाइस है जो क्राइसिस के टाइम यूज़ किया था फ्लैश ने। जो और क्रेमर सिटी आते हैं सेंडल सिटी में और वहाँ पर देखते हैं कि लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं एंड वो क्लोन्स को फाइट करते हुए भी देखते हैं एंड वो लोग हार्ट को रेडी करते हैं एंड बैरी को भी। फ्लैश जोरियल कैथेड्रल में जाता है एंड वहाँ पर उसे रियल गॉडस्पीड मिलता है एंड वो फ्लैश को वेट कर रहा था। मीनवाइल सीसीएल कॉन्टैक्ट बनाए रखी उनके बीच में एंड ये पर एपिसोड एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर।